जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर मंगल महाराज नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं इस बात का ब्यौरा देने के लिए हाजिर। मंगल महाराज 8 अगस्त देर रात 2019 को प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में और 25 सितंबर तक मंगल महाराज सिंह राशि में ही रहेंगे। इसी बीच शुक्र सिंह राशि में 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे, सूर्य 17 को प्रवेश करेंगे और बुध 26 अगस्त को प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। अब आगे चलकर चतुर्ग्रही योग होगा, लेकिन मंगल के नीच राशि से निकलने से काफ़ी लोगों को जो तकलीफ हो रही थी वो दूर होगी। मंगल एक अग्नि तत्व कहा जाता है और साथ में ही जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, तो एक स्फोटक सी स्थिति पैदा होगी मंगल और सिंह राशि के साथ में मिल जाने की वजह से। और इसका सभी राशि वालों पर क्या असर पड़ा है बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए YouTube/BeautyWithAstrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके बेल बटन ऊपर आएगा, उससे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप तक सारी जानकारियां मेरे चैनल की पहुंचती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि मेरा एक दूसरा चैनल है कामिनी खन्ना म्यूज़िक, जो कि मेरे राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर होने के कारण कार्यरत हैं आप तक कई प्रकार का संगीत पहुंचाने के लिए, इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा तीसरा चैनल है YouTube/कमाना खाना। मैंने अपना 40 किलो वज़न घटाया है और आप तक मैं डाइट रेसिपियां इस चैनल के मार्फत पहुंचाऊंगी, साथ ही साथ चटपटे खाने भी आपको पहुंचाऊंगी, तो इसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए आपके षष्ठ कार लग्न का स्वामी मंगल आपको काफ़ी मॉरल सपोर्ट और कहते हैं ना कि उत्साह उमंग देता है। आपको इस उत्साह उमंग में कई कार्य बनाने हैं। जो जाके दशम में बैठा है मंगल वो आपके काम बड़े बड़े बनवाएगा, नौकरी पेशा लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी तो वो भी फ़ायदा होगा। आपकी पर्सनैलिटी में लाभ होगा। आपको कर्ज़ों से काम बढ़ाने हैं तो वो भी मिल सकते हैं। आपको अगर कोई ऐसा काम करना है जिसमें मामा पक्ष शामिल हो तो वो भी हो सकता है। आपके अगर कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड मीडिया के काम अटके हुए हैं तो वो भी हो जाएंगे। सिर्फ अपने पिता के साथ काम करने से भी काम बढ़ सकता है। चतुर्ग्रह योग जब बनेगा आपके दशम में तो आपको पिता से तो फिर भी फायदा होगा, लेकिन आपको विवाहित जीवन और प्रेम संबंध अगर हैं तो दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उदास ना हो, आपके कारण मनमुटाव ना हो।